विदिशा जिले के पठारी में कलेक्टर स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में 8 पंचायत स्तरीय विजेता कबड्डी टीमों ने भाग लिया, जिसमें पठारी ने बरखेड़ा को हराकर विकासखंड स्तर में अपना स्थान सुरक्षित किया। 1 मार्च से 3 मार्च तक आयोजित होने वाली कलेक्टर कबड्डी प्रतियोगिता में पठारी क्षेत्र की 8 ग्राम पंचायतों की कबड्डी टीम ने भाग लिया। बुधवार को शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में फाइनल मैच आयोजित किया गया, जिसमें पठारी ने बरखेड़ा की कबड्डी टीम को 55 में से 15 अंकों से पराजित कर दिया। मैच के प्रारंभिक काल से ही मैच एक तरफा पठारी विजय के लिए नजर आ रहा था। कुरवई में 5 और 6 मार्च को आयोजित होने वाली विकासखंड स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में पठारी ने अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। क्लस्टर स्तरीय फाइनल मैच में पठारी ग्राम पंचायत और बरखेड़ा ग्राम पंचायत की टीमें शामिल हुई। इसमें पठारी टीम विजेता घोषित हुई एवं बरखेड़ा टीम उप विजेता घोषित हुई। क्लस्टर स्तरीय जो कबड्डी प्रतियोगिता रखी गई है, उसमें कितनी टीमों ने भाग लिया और कौन कौन टीम विजेता रही है और कितनी टीम इसमें सम्मिलित हुई थी? इसमें क्लस्टर में 8 टीमों ने भाग लिया था। 8 से फिर 4 हुई, 4 से आज फाइनल मैच था तीसरे दिन। 1 से 3 मार्च तक प्रतियोगिता आयोजित की गई क्लस्टर स्तरीय। फाइनल मैच में पठारी ग्राम पंचायत और बरखेड़ा ग्राम पंचायत की टीमें शामिल हुई। इसमें पठारी टीम विजेता घोषित हुई एवं बरखेड़ा टीम उप विजेता घोषित हुई। समय में जो सरकार है उसकी मंशाई यही है कि ग्रामीण क्षेत्र में खेल कूद के माध्यम से बच्चों का विकास हो, उनका उज्ज्वल भविष्य बने। इसी का एक क्रम में ये विद्यालय में क्लस्टर के माध्यम से ये कबड्डी प्रतियोगिता है। तो ये हमारे भारत का सबसे प्राचीन खेल है। इस खेल में बच्चे मिट्टी में खेल के जो अपने आप को ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उनको उनके शरीर को उनके भविष्य को उस मिट्टी से जो ऊर्जा मिलती है वो आगे ले जाती है। वो खेल कूद में पहली प्राइमरी में ये मिट्टी में जो खेलने की कबड्डी का प्रतियोगिता है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कबड्डी प्रतियोगिता होने लगी है। तो आज जो प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कबड्डी जैसी प्रतियोगिता जो समाप्त हो चुकी थी पूर्णतः, उसको नए सिरे से विद्यालय के माध्यम से उसको आगे पहुंचाने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। और भविष्य में इस प्रकार की जो ग्रामीण प्रतियोगिताएं हैं उनमें भी सरकार निश्चित रूप से कोई ना कोई निर्णय लेगी, वो खेल को आगे प्रोत्साहित करेगी। पठारी में महाविद्यालय के लिए मांग क्यों नहीं उठाई जा रही? अभी तक महाविद्यालय पठारी में क्यों नहीं बन रहा? महाविद्यालय की मांग तो लगभग पिछले 7-8 साल से चल रही है, लेकिन चूंकि ये सही बात है, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हम राजनीतिक लोगों ने अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, चाहे वो प्रतिनिधि हों, चाहे स्थानीय प्रतिनिधि हों, चाहे वो विधानसभा या सांसद के हों, उन लोगों ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। निश्चित रूप से हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है पठारी के नागरिक जो राजनीतिक को सामाजिक जीवन में है, इनको प्राथमिकता के स्तर पर महाविद्यालय की मांग करना चाहिए। तो हम लोग क्योंकि सरकार में हैं तो थोड़े बंधे हुए हैं, लेकिन थोड़ा विपक्ष यदि सामने आता है तो और भी अच्छा होता है। तो हम लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वो विपक्ष थोड़े धरना वगैरह के माध्यम से इस मांग को उछाल लेगी तो निश्चित रूप से आगामी 1 या 2 वर्ष में महाविद्यालय पठारी में हो सकता है। कबड्डी प्रतियोगिता में आपने जीत हासिल की है बरखेड़ा को हराकर, तो आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, हमारी टीम ने अच्छा खेला इसलिए हम जीत सके। तो आगे खेलने की क्या रणनीति बनाई है? आगे खेलने की अच्छी रणनीति बनाई है, रोज प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी खेलेंगे। आप लोगों की कहां कमी रही जो आप आज हार का सामना करना पड़ा, कहाँ कमी रही आप लोगों में? आज हम लोग कमी रेड में भी रही और डिफेंड में भी रही, और भैया लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया तो वो जीत चुके हैं, वो अच्छा प्रदर्शन करेगी और आगे और खेलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।